दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ई टी टेन टूर्नामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा बी यू डब्ल्यू वर्स बी के बीच में अगर पिच के बारे में बात की जाए दोस्तों पिच और बैट्समैन और गेंदबाज दोनों को अच्छा एडवांटेज यहां पर देखने को मिल रहा है सबसे पहले बात करते हैं बी के बारे में इस सीज़न में दोस्तों छः मुकाबले खेले हैं दो मुकाबले विन किए हैं तीन मुकाबले हारे हैं और एक मुकाबला दोस्तों इनका बारिश की वजह से अबैडन हो गया था हर मैच का जो स्कोर कार्ड है दोस्तों वो आप यहाँ पर चेक करके चल सकते

गेंदबाजी नहीं की है इनके बाद एच बट मोस्टली मैच में टीम को काफी अच्छा स्टार्ट दिया है अड़तीस सैंतीस अठारह चौवन सत्रह और लास्ट मैच के अंदर दोस्तों चारन पे आउट हो गए थे और विकेट कीपिंग के पीछे भी आपको नजर आ जाएंगे एस दो दोस्तों हिट और मिस टाइप वाले एग्जीक्यू टाइप के बल्लेबाज हैं एक मैच में 48 नाबाद हैं बाकी के पांच मैचेस के अंदर देखोगे दोस्तों तो ये पांच का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं इनके बाद दोस्तों टी हसन है बैटिंग कुछ खास नहीं रहती है गेंदबाजी में दो ओवर कंप्लीट डालेंगे और ज़्यादातर पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और गेंदबाजी के अंदर अब तक दोस्तों पाँच मैच में ये खेले हैं उसके अंदर ये छः विकेट निकाल चुके हैं लास्ट मैच के अंदर दोस्तों बॉलिंग नहीं की थी क्योंकि वो मुकाबला अबैडन हुआ था इनके बाद एन खुशदेल आपको नजर आ जाएंगे अब तक दोस्तों चार मैचेस के अंदर इन्होंने सात ओवर गेंदबाजी की है जिसमें तीन विकेट निकाले हैं और बैटिंग में दोस्तों एक मैच में पारी आई थी लास्ट मैच में नंबर छः पर वहाँ पर दोस्तों इन्होंने सोलह रन बनाए इनके बाद यहाँ से हमाद अशरफ बैटिंग दोस्तों इनकी भी काफ़ी लेट आएगी अभी तक दस का आंकड़ा ये भी पार नहीं कर पाए गेंदबाजी की बात की जाए दोस्तों कभी एक तो कभी दो ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं शुरू के दो मैचेस में तीन विकेट अगले दो मैच में कोई विकेट नहीं था लास्ट मैच में फिर एक विकेट अब तक दोस्तों ये पाँच मैच में गेंदबाजी करते हुए चार विकेट निकाल चुके हैं जेन आलम ने पहले मैच में बॉलिंग की थी दोस्तों एक ओवर ग्यारह रन एक विकेट था लेकिन उसके बाद से लगातार तीन मैच में बॉलिंग नहीं करवाई और बैटिंग देखोगे तो अभी तक दस का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं इनके बाद दोस्तों हडीर रजा आपको नजर आ जाएंगे जिनकी भी बैटिंग दोस्तों अभी तक पूरी तरह से खराब रही है राजभूषण दो ओवर कंप्लीट गेंदबाजी करके देने वाले हैं शुरू के चार मैचों में दोस्तों इन्होंने पांच विकेट निकाले थे लास्ट मैच में दो ओवर में छब्बीस रन खर्च खे कोई विकेट इनको नहीं मिला इनके बाद अब्दुल हासिब है बैटिंग में दोस्तों ये भी लेट आते हैं लेकिन गेंदबाजी में कभी एक तो कभी दो ओवर गेंदबाजी करवाते हैं दो मैच के अंदर दो दो करके चार विकेट और दो मैच के अंदर दोस्तों इनको कोई विकेट नहीं मिला हुआ बैचेज के प्लेयर में से दोस्तों अगर कोई खेला

कर रहे हैं राजुद्दीन हर मैच में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है सोलह पचास नाबाद लास्ट मैच में नाबाद और पिछले दो मैच से बॉलिंग भी कर रहे हैं तीन ओवर गेंदबाजी करके दोस्तों दो विकेट निकाल चुके हैं तो बैट और बॉल दोनों में बिल्कुल जबरदस्त पिक जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं जहीर अब्बास एग्रेसिव टाइप के बल्लेबाज हैं पहले मैच में जीरो दूसरे मैच में छत्तीस नाबाद लास्ट मैच में आठ रन बनाए इनके बाद एस है है दोस्तों दोस्तों एक्सपीरियंस अच्छा इनके पास प्रदर्शन देखोगे तो वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं पहले मैच में पांच और लास्ट मैच में सोलह नाबाद बाद के गेंदबाजी में पार्ट टाइम गेंदबाज है कभी टीम गेंदबाजी करवाती कभी नहीं करवाती लास्ट मैच में एक ओवर में दस रन करके एक विकेट निकाला था कुर्रमयास टीम के कैप्टन हैं एक मैच में पारी आई थी वहाँ पर नंबर चार पर आकर तीन रन बनाए उसके बाद से लगातार बैटिंग नहीं मिली है नाइम अख्तर एक मैच में नंबर पाँच पर खेले छः रन बनाए इनके बाद दोस्तों मोहम्मद सफील्ला कादम है बैटिंग कुछ खास नहीं रही है एक मैच में मौका मिला था नौ रन बनाए थे गेंदबाजी देखोगे कभी एक तो कभी दो ओवर डाले हैं शुरू के दो मैच में दो विकेट थे लास्ट मैच में एक ओवर डाला छः रन कोई विकेट इनको नहीं मिला विक्रमजीत सिंह शुरू के दो मैच में दोस्तों तीन विकेट निकाले थे लास्ट मैच में एक ओवर डाला बारह रन कोई विकेट

होंगे वो पूरी अपडेट आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी कि तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम को बिल्कुल मसीब मत करें टाइप करें डब्ल्यू और सर्च करके जुड़ जाए टेलीग्राम के अंदर थैंक यू फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट